नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि आने वाले 4 से 5 सालों में यूपी एक्सप्रेसवे और मेट्रो का हब बन चुका होगा। विकास की इस रफ्तार में उत्तर प्रदेश में एक और नए एक्सप्रेसवे का नाम जुड़ने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के काम में फिर से तेजी आई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य कब से शुरू होगा तथा यह एक्सप्रेसवे किन किन शहरों व गांवों से होकर गुजरेगा और अभी शुरुआत में इस एक्सप्रेसवे के लिए कितनी भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में सारी लेटेस्ट अपडेट्स जानेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डीआर इंफ्रा टीवी की लेटेस्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जिसका निर्माण कार्य भारत माला योजना के अंतर्गत हो रहा है, यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर में प्रस्तावित रिंग रोड के कनेक्टिंग प्वाइंट जगदीशपुर में शुरू होकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा, जिसकी लंबाई 519 किलोमीटर की है और यह 6 लेन का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें 84 किलोमीटर हिस्सा यूपी यानी गोरखपुर, देवरिया व कुशीनगर जनपद में पड़ेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की डीपीआर रिपोर्ट भोपाल की मेसर्स LN मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने तैयार कर ली है और जल्द ही इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को सौंप दिया जाएगा। इस डीपीआर रिपोर्ट को सौंपने के बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कार्य में तेजी देखते हुए जनपद में भूमि अधिग्रहण के लिए समक्ष प्राधिकारी नियुक्त किए जाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए NHAI गोरखपुर के परियोजना निदेशक CM द्विवेदी जी की तरफ से जिलाधिकारी को पत्र भेजा जा चुका है। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के गाँव व शहरों की बात की जाए तो यह एक्सप्रेसवे जगदीशपुर से शुरू होकर सदर तहसील के 21 से 25 गाँवों से होकर कुशीनगर में तमकुहिराज तहसील के गांव से होकर बिहार के गोपालगंज जनपद में प्रवेश करेगा। इसके लिए देवरिया में करीब 150 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित किए जाने की तैयारी हो रही है। इसका निर्माण कार्य आबादी वाले क्षेत्रों से हटकर किया जाना प्रस्तावित हुआ है। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे गोपालगंज जनपद में प्रवेश करके सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया व किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा। इसके अलावा और अधिक जानकारी NHAI को DPR रिपोर्ट मिलने के बाद पता चलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।